बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक अपनी देसी रेसिपी जो कि बहुत ही यूनिक है, मटन की निहारी या बकरे की निहारी, लैम की निहारी, कोई भी चीज़ कहें। तो इसका जो मसाला है वो बिल्कुल बाजारी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपना मसाला हम खुद बनाएंगे और वो इस्तेमाल करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त बनती है, आसानी से बनती है। टाइम ऑफकोर्स इसको 4 से 5 घंटे चाहिए। स्टेप बाई स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करें। जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए और ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी, चलिए ये रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ जी सजनों तो प्यारे, यहाँ पे मैंने लैम्ब का मीट ले लिया, ये 3 किलो शैंक्स हैं। निहारी जो है वो मसल वाला अगर मीट होगा तो उसमें बहुत जबरदस्त बनेगी, तो लिहाजा हमने कुछ उनके नकल्स यानी कि जो उनके जॉइंट्स हैं वो ले लिए। उससे जो उसका जूस बनेगा बहुत मज़ेदार बनेगा। और ये 3 किलो हमने लैम की शैंक्स ले लिए। आप मटन, लैम, बकरे का गोश्त कुछ भी हो बना सकते हैं। मसाले जो इसमें जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये हम निहारी मसाला सबसे पहले अलहदा से बनाएंगे और बाकी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। इसकी मेजरमेंट आप देख लें, ये जो मसाला बन जाएगा ये तकरीबन 2 से 3 किलो मीट की जो निहारी बना रहे हैं उसके लिए इनफ होगा। ड्राई कोरिएंडर साबुत वाला ये 4 टेबलस्पून है, 2 टेबलस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून अजवाइन, तकरीबन 10 से 12 तेज पत्ता, बादियान के 3 फूल हमने तोड़ के उनके पीसेस कर लिए, नटमक या जायफल उसको हमने क्रश कर लिया है 1 पीस, 1 टेबलस्पून हमने ली है ब्लैक पेपर साबुत, 20 से 25 लौंग लिए हमने, 8 से 10 लाल मिर्च है साबुत वाली, 7 से 8 बड़ी इलायची है, 10 से 12 जो हरी इलायची है, 1 टेबलस्पून हमने अनारदाना लिया है और 4 से 5 पीसेस जो है ये पिपली के हैं। पिपली इसको इंग्लिश में लिंडी पाइपर भी कहते हैं, ये लाजमी जाएगी, इससे टेस्ट इन्हांस होगा, बहुत ज्यादा ना डालें, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उसके अलावा पाउडर मसाले 1 टीस्पून हमने लिया है मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने लिया है सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक, ये टेस्ट को इन्हांस करेगी और मसाला खराब नहीं होने देगी। 1/2 टीस्पून हमने हल्दी का लिया, 1 टेबलस्पून हमने नमक लिया, दालचीनी का पाउडर है 1 टीस्पून, ये सूंड पाउडर है 1 टेबलस्पून, ये भी लाजमी जाएगा, और ये जावित्री जिसको आप मेस कहते हैं, मेरे पास पाउडर था, तो ये फ्लैट 1 टीस्पून जाएगा, बहुत ज्यादा ना डालें, इसका जो टेस्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और ये क्योड़ा, जब हमारी निहारी तैयार हो जाएगी तो उसमें हम कुछ कतरे डालेंगे, क्योंकि जो बाजार वाला मसाला लोग यूज करते हैं उसमें क्योड़ा की खुशबू होती है। लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून, अदरक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून, ये कुछ खड़े मसाले, 3 से 4 फ्रेश तेज पत्ते, 1 टेबलस्पून धनिया, 1/4 इंच सिनेमन स्टिक लेके मैंने उसको पीसेस में कर लिया, 2 ग्रीन इलायची है, 3 से 4 लौंग, इनको हम मलमल के कपड़े में बांध के तो इन्फ्यूजन के लिए उसको रखेंगे, बाद में इसको निकाल देंगे, 2 टीस्पून बेसन और प्लेन फ्लावर हमने लिया है 3 टेबलस्पून, इनको हम ड्राई रोस्ट करके टुवर्ड्स द एंड जब निहारी तैयार हो जाएगी तो उसमें डालेंगे। ग्रीन चिलीज इसको हमने स्लाइस कर लिया है और अदरक के हमने जूलियंस काट लिए गार्निशिंग के। एक बात आपको बताता चलूं कि ये दिल्ली स्टाइल की निहारी है, इसमें प्याज जाएगा और दही जाएगा। कुछ लोग दही और प्याज को अवॉइड करते हैं लेकिन ये दिल्ली स्टाइल है, इसमें प्याज भी जाता है और दही भी जाता है। 3 मीडियम प्याज लेके मैंने उनको रफली चॉप कर लिया, 1.5 कप क्रीमी योगर्ट ले लिया मैंने और इसमें 2 कप कुकिंग ऑयल जाएगा, उसके अलावा नमक और मिर्च अपनी पसंद के हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने मसाले जो है इनको सारों को मिक्स कर लेते हैं और इसको हम ग्राइंडर में डाल के तो इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंडर हमारा छोटा है तो हमें तकरीबन मेरा ख्याल है 2 दफा में करना पड़ेगा। इसको खोल के चेक कर लेते हैं, बड़ा जबरदस्त टेक्सचर बन गया इसका। हाँ जी जनाब, तो अब जो हमारे पिसे हुए मसाले हमने रखे थे ये शामिल कर देंगे, हमने सारे मेजर किए हुए। सो जनाब इसको सारे को बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। मसलिन क्लॉथ जो है इसमें खड़े मसाले हैं इनको हम रेडी कर लेते हैं। तो ऑयल हमने पैन में डाल लिया, तो अब इसमें हम जो हमारा अनियन है ये डाल देंगे, फिर
फ्लेम हमारा मीडियम होगा। इसको तकरीबन एक मिनट हो गया, हमने सोटे कर लिया और अब ये हमारा जो मस्लिन क्लॉथ है इसको हम बीच में डाल देंगे। सो व्यूअर्स, हमारा प्याज जो है वो तकरीबन 7 मिनट से पक रहा है, ये गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं, हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। सो व्यूअर्स, हमने अपना जो प्याज था वो सारा निकाल लिया। इसमें 1.5 टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट और अदरक का पेस्ट ये शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। फ्लेम अपना दोबारा ऑन कर लेते हैं और ये जो लिक्विड हमने बनाया ये हम इसको 1 से 1.5 मिनट हमने सोटे करना है। मेरे प्यारे भी इसको पकते हुए तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हो गए। इस मकाम पे आके तो हम अपना जो मीट है वो स्टार्ट पुटिंग पे। हमने अपने मीट को बहुत अच्छे से 5 से 7 मिनट भूनना है। बहुत लश निहारी जो है वो तैयार होने वाली है। आप कहेंगे कि कोई चीज़ जो है तैयार हो गई है। इसको बहुत अच्छे से भूनना है। फ्लेम जो हमारा वो बिल्कुल हाई पे होगा ताकि मीट का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाए। सो मेरे प्यारों, मैंने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। जो टेस्ट है वो आपको तभी आएगा कि अगर आप इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे। अब इस 3 किलो मीट में 3 से 4 टेबलस्पून पर किलो के हिसाब से हम मसाला जो है वो डालेंगे। तो करते हैं मिक्स। अभी हमने 9 चम्मच मसाला डाला है। अगर हमें कम लगता है तो फिर उसमें और डालते हैं। अभी बस मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट और पकाया है। सो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो मीट है वो बड़े अच्छे तरीके से भुन रहा है, तो मसाला हमें कम लगा है, इसलिए हम 2 चम्मच ये दही में डालने लगे हैं। जो मैंने अनियन को फ्राई किया था उसको मैंने जो हमारा योगर्ट है उसमें शामिल कर लिया और अब इसमें 2 चम्मच हम डालेंगे अपना निहारी मसाला और इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। बड़ी ही ज़बरदस्त लश निहारी जो है वो तैयार होने वाली है। ईद की आमद आमद है तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है, आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। और सारे मसाले जो घरों में मौजूद हैं आप बड़े इजीली इसे बना सकते हैं। तो अब इस स्टेज पे ये जो हमारा योगर्ट है इसको आहिस्ता आहिस्ता डाल देंगे और इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, ये देखें मीट अब इसका कलर चेंज हो गया है, ये थोड़ा सख्त हो गया। तो इसको अब तकरीबन 5 मिनट और भुनेंगे और उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। ये बहुत अच्छे से भुन गया। अब इस स्टेज पे आके तो जो हमने मस्लिन क्लॉथ या वो पोटली बना के साबुत मसालों की डाली थी वो हमारा मीट जो इन्फ्यूज़ हो गया, तो हम इसको निकाल लेंगे और इसमें अब हम डालने लगे हैं पानी ताकि हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। इसमें तकरीबन मैं 1 लीटर पानी जो है वो डालने लगा। इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला देंगे और जो हमारा फ्लेम है वो बिल्कुल लोएस्ट होगा और इसको 1 घंटे के लिए हम गलने के लिए छोड़ देंगे। गोश्त हमने गलने के लिए रख दिया है और पैन हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। जो हमारा आटा और बेसन है इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। पैन गर्म हो गया, दोनों को मिक्स कर लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। व्यूअर्स, हमारे मीट को पकते हुए तकरीबन 1 आवर एंड 20 मिनट्स हो गए। अब इसको हम खोल के करते हैं चेक। वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आई है। सो व्यूअर्स, हम अपने गोश्त को चेक करते हैं। ये देखें, मीट इज़ कमिंग ऑफ द बोन। गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया। इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी। व्यूअर्स, हमने इसको पानी डाल के तो तकरीबन 3 से 4 मिनट्स पकाया। आप देख सकते हैं कि जो इसका रोगन है, इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ गया और अब इस ऑयल को हमने उतार लेना है, क्योंकि जब हमने इसमें आटे की स्लरी डालनी है तो ये जो ऑयल है ये गायब हो जाएगा। व्यूअर्स, हमने जो इसका ऑयल था, रोगन था, वो उतार के रख लिया है। उसके लिए अलहदा जो है निहारी के ऊपर डालने के लिए बनाया जाता है, लेकिन हमने जो ऑयल इसमें डाला था वही ऑयल इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे स्लरी। मैंने देखे आटे और बेसन को ड्राई रोस्ट करके तो उसकी स्लरी बना ली है। इसमें कोई लम्प्स नहीं है क्योंकि मैंने इसको मिक्स करने के बाद स्ट्रेनर की मदद से
इसको स्ट्रेन कर लिया और ये देखें नाइस एंड स्मूथ क्रीमी टेक्सचर। इस स्टेज पे आके तो जो हमारे आटे की हमने स्लरी बनाई है ये लिक्विड स्लोली हम इसमें पोर करेंगे। सारा एक दफा में नहीं कर लेना, आधा डालेंगे और इसको साथ साथ हिलाएंगे। अपना जो फ्लेम है उसको हम तेज कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे हल्के हाथ से ताकि आपका जो मीट है ज्यादा एकदम टूट ना जाए। अब इसमें बबल आने शुरू हो गए तो जो अपना फ्लेम है उसको अब कर देंगे मीडियम पे और इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर हम देखते हैं अगर हमें और स्लरी डालने की ज़रूरत है चेक करके तो फिर डालेंगे। जी सजनों ते प्यारियों, हमारी निहारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। खुशबू बड़ी ज़बरदस्त और जायका क्या ही बात है। अब हम फ्लेम को ऑफ करने लगे और मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, हमने लैम की शैंक्स की बड़ी ही जबरदस्त निहारी जो है दिल्ली स्टाइल की बना ली है। खुशबू बड़ी जबरदस्त है और जायका ये तो खाएं तो फिर पता लगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है आप इसको लाइक करें और अपना तजुर्बा मेरे साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई से नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। अपना और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।